ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपको बहुत आभार है। शुक्र को आप मजबूत कर सकते हैं इन पितृपक्ष में। शुक्र को मजबूत क्यों करें? देखिए, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह के लिए आपके साथ अगर दाम्पत्य में तकलीफें चल रही, पति पत्नी के बीच बहुत विवाद चल रहा है, तीसरा आपको सुख अभी तक मिला ना हो, सुख चाहते, समृद्धि चाहते, आप चाहते अपने व्यापार अच्छे से चले और जीवन में जितनी सारी वैभव की चीज़ें, जो सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई चीज़ें, हम किराए के घर में रह रहे हैं, हम चाहते खुद का मकान बने, तो सुख वैभव से जुड़ी हुई जितनी सारी चीज़ें शुक्र के अधिपत्य आती और यही मौका है। ये जो 16 दिन है, यही जो दिन है, इन्हीं में आप शुक्र को बहुत बहुत, क्योंकि पूर्वजों का परिचायक भी शुक्र होता है, तो आप मजबूत कर सकते हैं। बहुत साधारण तरीके हैं, बहुत सरल तरीके हैं, जिन तरीकों को केवल आप एक बार अपनाएंगे और आपके जीवन में बदलाव कुछ ही दिनों में दिखाई देंगे। तो शुक्र को मजबूत करने के 5 ऐसे चमत्कारिक उपाय जो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। आप सभी का चैनल में बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें और आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चली रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहला उपाय आपको ये करना है कि पितृमोक्ष अमावस से पहले पहले रेगुलरली आपको गुलाब की माला भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना है। गुलाब की माला भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना है, हो सके शुक्रवार चढ़ाए, किसी भी दिन चढ़ाए, लेकिन भगवान भोलेनाथ को गुलाब की माला इस पितृपक्ष में जरूर चढ़ाना है। दूसरा, गीता के पाठ का अध्याय करें, गीता के 1 से 18 अध्याय तक का पाठ करें। अगर आप नहीं कर सकते तो 11वें अध्याय का पाठ रेगुलर जरूर जरूर, कुछ भी हो जाए करना ही है। तीसरा उपाय ये करना है कि खीर शुक्रवार के दिन माँ संतोषी को खीर चढ़ाएं और गरीबों में खीर बांटें। जैसे आप खीर बांटेंगे, इससे कई सारे प्रभाव सकारात्मक आपको दिखाई देंगे। चौथा तरीका है कि इस दरमियान जितनी ज़्यादा आवश्यक किताबें, पुस्तकें, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, शिक्षक हैं, उन सभी को आप अर्पित करें। अगर अर्पित या किसी लाइब्रेरी में अच्छी किताबें आप दे सकते हैं, इसको देने से भी शुक्र बहुत बहुत मजबूत होगा। और पाँचवा और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि इस पितृपक्ष में आप अपने पितरों का तर्पण जरूर करें, हो सके तो गया जी में करें, उससे पितृ दोष खत्म होता है और जीवन में कई सारी बदलाव होते हैं। ओम नमः शिवाय।